देश और दुनिया की कई खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। दया और सहानुभूति प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में पहुंचे विशिष्ट लोग। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में दया और सहानुभूति के भाव लोगों में जागृत होते जाएं, इसका प्रयास करते हुए काइंडनेस एंड कंपैशन प्रोजेक्ट की भव्य लॉन्चिंग की गई। इस कार्यक्रम में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के जयंती, एपीएच ईआरएम कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस वी ईश्वरैया, तेलंगाना स्टेट ट्रांसको और टीएस जेनको के सीएमडी डॉक्टर प्रभाकर राव, अपोलो हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन शोभना कामिनेनी, शांति सरोवर की निदेशिका बी के कुलदीप ने इस विषय पर अपने विचार रखे और अभियान की लॉन्चिंग की। The world is going through not just darkness, but a situation in which hearts have become very cold and heads have become very hot. Do you agree? And it's a very simple shift that we have to make. To be able to have warm hearts, the sign of life is warmth. And warm hearts means that there is life again in humanity. And to have cool heads. Human beings are the most miserly about love and compassion. We don't mind giving. We'll give because that's the easy thing to do. But how much do we really love and give compassion? And today I learned so much from you. Thank you so much. इसके साथ ही अतिथियों ने संस्था से जुड़ने पर विशेष अनुभवों के साथ जो भी बातें हुई उसको साझा किया। तो कहने को बहुत कुछ होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किस तरीके से हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है वो ब्रह्म कुमारी इस संस्था ने हमको सिखाया कि जिसने जो दिया है उस तक कैसे पहुँचे। वी ऑल अवेयर वॉट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड टूडे, वॉट इज रिक्वायर्ड इज काइंडनेस, कंपैशन एंड पीस इन द वर्ल्ड। अंत में बी के जयंती ने कमेंट्री द्वारा सबको राजयोग का अभ्यास भी कराया। अग्निकांड में प्रभावित परिवारों की मदद का ब्रह्म कुमारीज ने किया प्रयास। भिलाई पावर हाउस फल मंडी के पीड़े स्थित सूर्यानगर बस्ती में अग्निकांड में प्रभावित सैकड़ों परिवारों के लिए उनके मन को स्थिर और जीवन में शांति की शक्ति बिखेरने के लिए ब्रह्म कुमारी बहने राहत सामग्री लेकर खाद्यान्न और दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं के किट बैग्स लेकर वहां पहुंची। सबसे पहले भिलाई सेवा केंद्र की प्रभारी बी के आशा ने राहत सामग्री से भरे ट्रक को रवाना करते हुए अपनी शुभ भावनाएं जाहिर की। फिर बहनों ने बस्ती में जाकर कुछ देर वहाँ राजयोग द्वारा शांति और सुख के वाइब्रेशन फैलाए। इस दौरान बीके पूजा ने सभी को परमात्मा की शक्ति के बारे में भी बताया। इस मौके पर बीके इंद्रानी ने महाज्योति को याद कर आवश्यक वस्तुओं के बनाए किट बैग को वितरित किए और सभी को ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग द्वारा पावर ऑफ सकाश विषय पर राजयोगी किट्स के लिए ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए माइंड एंड मेमोरी के बहुत बड़े विशेषज्ञ बी के शक्तिराज ने विश्व को सकाश देने के सुंदर तरीके बताए। इस दौरान बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दरअसल हर सप्ताह बच्चों के प्रोग्रेस के लिए विभिन्न विषयों पर इस तरह के वेबिनार आयोजित होते हैं, जिसमें ऑनलाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इस वेबिनार में तकरीबन 500 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।